नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं केरल की प्रोग्रेस के बारे में। केरल ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है बकरीद के बाद में, और एक ही दिन में 22,000 नए कोरोना केस हम लोगों के सामने आए हैं। आप लोगों को पता है कि धड़ाधड़ कई सारे YouTube चैनल्स पर स्ट्राइक्स आती चली गई, हफ्ते हफ्ते भर के लिए चैनल्स बंद होने की घोषणाएँ दे दी गई थी, जिसके बाद में सत्य सनातन बच गया। और बचने का रीजन था कि सत्य सनातन अपने सत्य पर अडिग रहा, अटल रहा, और हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर हमने गलती की है तो हम उसको मानते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर हमारी कोई गलती है ही नहीं, इस वजह से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लिब्रांडूज का जो गिरोह है, जो गैंग है, वो अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ अपने लिए चाहता है, दूसरों के लिए नहीं। इसी बकरा ईद के ऊपर बोलने के बाद हमारी मास रिपोर्टिंग हुई, जिस वीडियो में हमने बकरा ईद के बारे में बताया था किस प्रकार से इन अप्रोप्रिएट है ये बकरा ईद, किस प्रकार से हानिकारक है पूरे पर्यावरण के लिए ये बकरा ईद, और किस प्रकार से विरोधी है खुद इस्लाम के ही ये बकरा ईद। उस वीडियो के बाद चैनल पर स्ट्राइक आने के बाद में लिब्रांडूज के दिल बाग बाग हो गए थे, और उन्होंने कहा कि बड़ी मछली फंस गई, बड़ी मछली फंस गई। उस खुशी के बाद में उसी बकरा ईद की वजह से केरल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लगातार कोरोना के केसेस आ रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि लिब्रांडूज मजा आया? अब बताओ कौन से वाली मछली, कौन से वाले मगरमच्छ और कौन से वाले सांप नाग पकड़ में आए हैं, और क्या आपके हाथ लगा है? लेकिन इस मुद्दे पर लिब्रांडूज कुछ भी बोलने वाले नहीं है, क्योंकि यहां पर उन्हीं के नाजायज अब्बा जानों का इंतकाल हो रहा है। केरल एक ऐसा प्रदेश जिसको हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रदेश के रूप में अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमको यही बताया गया कि केरल के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं और वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये वही प्रदेश है जहाँ पर सड़क पर डाल करके गाय को काटना प्रोग्रेसिव माना जाता है, और ये वही प्रदेश है जहाँ पर मेट्रो मैन ई श्रीधरन को हराना भी प्रोग्रेसिवनेस माना जाता है। ये वही प्रदेश है जहां पर आज भी मुस्लिम लीग जिंदा है, और ये वही केरल है जहां पर उत्तर प्रदेश से लात मारकर भगाए हुए एक बोंदू को भी जिता दिया जाता है। ये वही केरल है जिसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग वही है जितने की लगभग भारत में राज्य हैं, अर्थात 28 नंबर पर है। पूरे भारतवर्ष में एक दिन में 42,000 कोविड नए केस आते हैं, जिनमें से कि तकरीबन 53% 22,000 के ऊपर केस अकेले केरल से ही आते हैं, और उसके पीछे वजह थी एक जिद। जी हां, जब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी तरफ से यह बात कह दी थी कि अब हम कावड़ को इस साल बाध्य नहीं करेंगे, इस पर कोई बैन नहीं रखेंगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कावड़ यात्रा ले जा सकेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि हमारे सुप्रीम कोठा जहां पर भी हिंदुओं का कोई भी ऐसा रिचुअल आए, वहां पर अपनी टूटी हुई टांग बैसाखी समेत लेकर के कूद पड़ता है और अड़ा करके कहता है कि ये तो मैं नहीं होने दूंगा। और कावड़ यात्रा में भी यही हुआ था, उसने वही अपनी टांग अड़ाते हुए कहा ये तो मैं नहीं होने दूंगा। हिंदुओं ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तराखंड की सरकार ने इसको सहर्ष स्वीकार भी किया। इसको स्वीकार करने के बावजूद भी हिंदू, या फिर कहें उत्तर प्रदेश सरकार या कि उत्तराखंड सरकार, फिर भी प्रोग्रेसिव नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल में जिस प्रकार से 3 दिन की छूट बकरीद के नाम की दी जा रही है वो नहीं देनी जानी चाहिए क्योंकि इससे कोविड फैल सकता है, लेकिन आपको भी पता है कि मुसलमानों का एक बहुत तगड़ा इलॉजिक है, और वो इलॉजिक है कि जब तक सुमैया तारा नहीं आएगा तब तक मुसलमानों को कोरोना नहीं हो सकता है। NRC का उल्टा कोरोना होता है, और कुरान से ही कोरोना निकला हुआ है। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा, अगर आप वुजू करते हैं तो आपको कोरोना आपके आसपास भी नहीं फटक सकता है, अगर फिर भी कोरोना होता है तो घर में पाली हुई बकरी को किचन में न ले जाकर के बेडरूम में भी ले जा सकते हैं, उससे भी आपका कोरोना ठीक हो सकता है। और दूसरा तरीका यह है, आपने जो कबूतर पाले हुए हैं उनकी जो पॉटी होती है उसमें एक झिल्ली होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे तरीके आप लोगों को पता ही होगा, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। अगर आपको फिर भी आराम नहीं हो रहा है तो किताबे हवा हवाई के अनुसार आपकी जो सगी ताई की, चाची की, नानी की, फूफी की, मौसी की जो लड़की हैं, आगे आप समझ ही गए होंगे। तो ये वो सारे तरीके हैं जिससे कि मुसलमान कोरोना को भगा सकते हैं। लेकिन फिर भी केरल में ऐसा क्यों हो गया कि एक ही दिन के अंदर अंदर 22,000 केस आ गए? दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, जो कि
प्रोग्रेसिव प्रदेश नहीं है, जो कि एक बीमारू गरीब प्रदेश है जहां की साक्षरता 99% नहीं है, उस प्रदेश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? तकरीबन केरल से 2.5 गुना ज्यादा। क्या आपको पता है कि वहां पर क्राइम कितना कम हुआ है केरल की अपेक्षा में? क्या आपको पता है कि वहां पर वैक्सीनेशंस केरल की अपेक्षा में कितने ज्यादा हैं? क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी एक्टिव केसेस कितने हैं? क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में केवल कितने नए कोरोना मामले मिले हैं? अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव नहीं हैं, और अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता हैं तो आप असली प्रोग्रेसिव हैं। आप ही भारत देश की तरक्की में असली योगदान कर सकते हैं। भारत की तरक्की को कौन रोके हुए है? वो लोग रोके हुए हैं जिन्होंने कि इस पैंडेमिक को सही से मैनेज किया है। वो लोग रोके हुए हैं जो सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। वो लोग रोके हुए हैं जिन्होंने हमेशा सच का साथ दिया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो नीचे कमेंट में भी जाकर के पढ़ सकते हैं। वो लोग कह रहे हैं, अंकुर आर्य, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही हमारे देश की तरक्की नहीं हो रही है, जैसे कि इनके बाप दादाओं ने ही हमारे साइंटिस्ट्स को उठा करके मार्स भेजा हो, और मार्स पर जब कुछ खोज ना हो पाई तो मार्स को उठा करके ये दिल्ली लाए हो, और मार्स के ऊपर से ऐसे यूं उठा करके और उसमें चेक किया हो कि यार कहाँ पे क्या चीज़ है। ये वो कौम है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि या तो सुधर जाओ या फिर उधर जाओ जहाँ पर तुम जा रहे थे, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने तुमको जाने से रोक लिया। अगली चीज मैं कहना चाहता हूं अपने हिंदू भाइयों से, मैं कहना यह चाहता हूं कि देखिए, स्ट्राइक आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन जो सच है वो हम बोलते रहेंगे, प्लेटफॉर्म कोई भी हो और हमारी चाहे स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, हम तो बोलते रहेंगे। लेकिन आप लोगों की एकजुटता, आप लोगों की एकता और आप लोगों का अपने क्षेत्रों में मुखर होना, ये अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा पिछले कई सारे लाइव्स में, कई सारे इंटरव्यूज में मैं ये बात कई बार दोहरा चुका हूं कि अगर हम लोग एक नहीं हुए, हम लोगों ने ये जातिगत भेद अपने बीच से नहीं हटाए, तो हम इसी प्रकार से उन लोगों के शिकार होते रहेंगे जिस प्रकार से एक अच्छा खासा व्यक्ति, अच्छे खासे खानदान का, अच्छे खासे पिता के पुत्र होते हुए भी आज लिब्रांडूस, वामपंथियों, खालिस्तानियों और पाकिस्तानी एजेंट्स के बीच में फंस करके रो रहा है, दहाड़ रहा है। हम प्रतीक्षा करेंगे कि राकेश डकैत कब जाकर के लखनऊ को चारों तरफ से घेरने के लिए मोर्चाबंदी करने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको भी लगता है कि वो सारे के सारे पत्तलकार जो आज अब्बा डब्बा जब्बा कर रहे हैं, उन लोगों को बताना चाहिए था कि एक अंधविश्वास पर आधारित, एक खून खराबे के त्योहार के चलते एक राज्य की सरकार जो केवल अपने प्रदेश के 25% वोट्स के पीछे पड़ी हुई है, उसने कितनी बड़ी हानि इस देश को की है। अगर आपको लगता है कि उन लोगों को भी बोलना चाहिए था, अगर आपको लगता है कि उन्होंने नहीं बोला और हमने बोला है तो उसको शेयर करना है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को जितना मर्जी स्प्रेड करें। आप सभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और देश की प्रगति में योगदान देते रहें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।